हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग MSXL चैनल। आज का टॉपिक है एडवांस एंड डायनामिक वी लुकअप इन एक्सेल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये एक्सेल का, जो वी लुकअप है, जो कुछ बहुत सारे डेटा में अपने को एक अपनी लुकअप वैल्यू ढूंढ के देता है। तो इसमें अपन कुछ एडवांस एंड डायनामिक वी लुकअप लगाने वाले हैं, जैसे नॉर्मल वी लुकअप और एडवांस। जैसे मैं दो इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नॉर्मल वी लुकअप में क्या आंसर आता है और डायनामिक और एडवांस में क्या आपको रिजल्ट देता है। तो जैसे मैं एक जस्ट एक नॉर्मल एक लगा देता हूँ, तो एक मेरा वी लुकअप वैल्यू है आर्या करके। ये कुछ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ डेटा बनाया हुआ है। तो जैसे ये मेरे कुछ नेम्स हैं और ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो मैं अगर ये वी लुकअप वैल्यू में अगर मैं कुछ यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ, तो उसके पॉइंट मुझे मिलने चाहिए एज ए रिजल्ट के तौर पे। तो जैसे मैं नॉर्मल वी लुकअप कैसे लगा देता हूँ, तो वी इज इक्वल टू वी लुकअप करते हैं, ये लुकअप वैल्यू मेरी आर्या है, इसको क्लिक करके बाद में इसको टेबल एरे में जाएंगे। फिर ये जो एरिया है, ये जो लुकअप टेबल है, जो टेबल एरे है, उसको सिलेक्ट करते हैं और कॉलम इंडेक्स में क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे ये वन है और ये टू है, तो मेरा लुकअप वैल्यू जो है वो टेबल कॉलम नंबर वन में है और रिजल्टेबल वैल्यू मेरा कॉलम नंबर टू में है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉलम इंडेक्स में मैं टू प्रेस कर देता हूँ, टू प्रेस कर देता हूँ और उसके बाद में मेरा रेंज ज़ीरो। ओके, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो एंटर कर देते। तो यहाँ पे मेरा एरर आ गया NA करके, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, लुकअप वैल्यू जो है मेरी आर्या है और यहाँ पे नेम प्लस सरनेम लिखे हुए हैं मैंने। तो अभी मुझे तो उस लुकअप वैल्यू का सरनेम पता नहीं है, पर मुझे वी लुकअप लगा के उसका आंसर पॉइंट्स तो मुझे निकालना है। तो इस केस में कैसा होगा कि आपके पास सिर्फ फर्स्ट नेम ही है, पर जो लिस्ट है उसमें फर्स्ट नेम भी है और लास्ट नेम भी है। तो उस केस में ये एडवांस एंड डायनेमिक वी लुकअप काम करेगा। तो ये अपन यूज़ करते हैं, सेम फंक्शन है, उसमें थोड़े से कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे इज इक्वल टू कर देते हैं, लुकअप वी लुकअप लगा देते हैं, इसमें लुकअप वैल्यू जो है वो अपन वही रखते हैं आर्या करके, इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आप एंड वाला साइन लगाएंगे जो, और यहाँ पे कुछ कुछ अपन यहाँ पे अभी क्या हो गया, एंड का साइन मतलब अपन क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन अपन यूज़ करेंगे एक ही लुकअप वैल्यू में। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टार का मीनिंग क्या होगा कि आर्या के बाद जितने भी कुछ वर्ड्स होंगे या जो भी कुछ होगा वो उसको फाइंड आउट करेगा। स्टार का मीनिंग यही है कि आपको कुछ अगर बहुत सारे वैल्यू में अगर कुछ फाइंड करना है, अगर आपको सिर्फ दो तीन नाम ही पता है, तो आप जैसे एक दो नाम लिख दो और स्टार लगा दो और सर्च कर दो, तो वो बराबर स्टार के हिसाब से आपको वैल्यू शो करेगा। तो अभी अपन ने यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू आर्या लिख दिया और स्टार लिख दिया, तो अभी ये केस में क्या करेगा, वो ये फर्स्ट नेम भी सर्च करेगा और उसके हिसाब से ये लास्ट नेम भी सर्च करेगा। तो यहाँ पे अपन टेबल एरे इसको सिलेक्ट कर देते हैं, फिर से इसको कॉलम दो प्रेस करेंगे और ज़ीरो लिख देंगे, सेम ऊपर वाले जिसमें ये किया सेम एज इट इज़ करेंगे, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हुआ। अभी इसको क्लोज कर देते हैं और एंटर मार देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 85 है। देखो यहाँ पे आर्या स्टार के यहाँ पे क्या है, 85 है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर नेम चेंज कर देता हूँ, तो जॉन स्नो जैसे मेरा इसमें सेकंड नेम है, तो ऐसे एंटर कर दूंगा, देखो 84 आ गया। यही एक डायनामिक है, जैसे ये एक एग्जांपल है, ऐसे मैं इसमें चार एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। ये एक एग्जांपल बहुत ही एक सिंपल था। जैसे अभी सेकंड वाला एग्जांपल क्या है, अभी मेरे पास सिर्फ सरनेम मुझे पता है, नाम मुझे पता नहीं है, सरनेम के हिसाब से मुझे पॉइंट्स आने चाहिए। तो नॉर्मल वही अपन जैसे लगाते हैं, वी लुकअप लगाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और टेबल एरे सिलेक्ट करके कॉलम इंडेक्स देंगे और एंटर कर देंगे, फिर से यहाँ पे एरर आ गया। अभी एडवांस इसमें क्या करेंगे, एडवांस में क्या करेंगे, अपना वी लुकअप ऑन कर देंगे। अभी यहाँ पे अपन बोलेंगे दो स्टार और एंड का साइन लगा देंगे और यहाँ पे स्नो जो अपना लुकअप वैल्यू वो कर देंगे
कॉमा देके इसमें आप यहाँ पे टेबल एरे जो है अपना वो सिलेक्ट कर देंगे, दो कर देंगे और ज़ीरो। ओके, इसमें अभी इसमें ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखो यहाँ पे बराबर सरनेम के हिसाब से उसने सर्च कर दिया। अभी इसमें मैं अगर और कुछ देता हूँ, जैसे मैं इसमें व्हील कर देता हूँ, तो लारा व्हील करके एक मेरा नेम, ये पॉइंट्स आ जाएंगे। देखो यहाँ पे ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी थर्ड इसमें क्या है, अभी आपने देखा होगा ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, इसमें थर्ड इसमें कैसा है कि अगर आपके पास अगर कुछ कंटिन्यूअसली वर्ड है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या था, स्पेस था, करेक्ट, यहाँ पे स्पेस थे। अभी यहाँ पे मुझे कंटिन्यू वर्ड है और उसमें मुझे वैल्यू ढूंढना है। ओके, तो उस केस में अपन कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू लिख दी है, जैसे ये 4 1 6 ये वाली वैल्यू, तो इसका लुकअप वैल्यू मुझे क्या आना चाहिए, 158। तो मैं यहाँ पे अपना नॉर्मल वाला वी लुकअप लगा देता हूँ। टेबल एरे ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसको कॉलम नंबर दे दिया और 0 कर दिया। ओके, फिर से एरर आ गया। अभी डायनामिकली अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वी लुकअप लगाते। अभी ये लुकअप वैल्यू क्या है, अपनी परसेंटेज है, करेक्ट, परसेंटेज है। तो इसमें आप जैसे अभी यहाँ पे वी लुकअप स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है कि 1685 है और यहाँ पे इसमें कंटिन्यूसली IND कुछ लिखा हुआ है, मेरा बिलिंग नंबर है। तो अभी यहाँ पे लुकअप वैल्यू में अपन क्या क्या दिखाएंगे कि ताकि ये वैल्यू भी ले ले और इसके आगे ये जो IND लिखा है ये भी उसमें सर्च करें। तो इसमें आप यहाँ पे परसेंटेज साइन कर दीजिए। अभी इसमें आपके यहाँ पे जो नंबर है इसके आगे आपके जितने भी वर्ड है या जो भी है उतने यहाँ पे परसेंटेज शो कर दीजिए। इसमें इसको बंद कर दीजिए और एंड का साइन लगा दीजिए और लुकअप वैल्यू शेयर कर दीजिए। ओके, इसमें फिर से कॉमा दे के टेबल एरे आपका सिलेक्ट कर दीजिए, फिर वही अपना कॉलम इंडेक्स 2 और 0 करके एंटर कर दीजिए। ये देखो 1 5, ये देखो ये बराबर उसने पकड़ लिया, लुकअप वैल्यू उसने बराबर रिजल्ट दे दिया उसके हिसाब से। अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे अपन ने देखा एक स्टार लगा दिया लुकअप के बाद, बराबर यहाँ पे लुकअप के पहले 2 स्टार लगा दिए। अभी एग्जांपल 3 में क्या देखा कि यहाँ पे परसेंटेज दे दिए, परसेंटेज अभी कैसा है कि यहाँ पे कंटिन्यू था वर्ड इसलिए यहाँ पे परसेंटेज अपन ने यूज़ किया। अभी फोर्थ वाला जो है वो एकदम डायनामिक है। यहाँ पे क्या है कि ये मेरे सेल आइटम है, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिए हुए, ये सेल आइटम है जिसमें कुछ नंबर है, डैश है और वो प्रोडक्ट का नाम है और वो एक स्टोर का आईडी है, जैसे ये कुछ लिखे हुए। और यहाँ पे मुझे लुकअप वैल्यू क्या है, मेरी मेरा एक नंबर है, ठीक है। अभी वो नंबर के हिसाब से मुझे वो आइटम कितने सेल हुए हैं, वो प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है वो मुझे यहाँ पे शो करना है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या रहेगा अपना, सेम वी लुकअप लगा देंगे अपन। ओके, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू सेव कर देंगे, फिर से अपन टेबल एरे दे देंगे। ओके, फिर 2 कॉलम सिलेक्ट कर देंगे और 0 लगा के उसको बंद कर देंगे, तो फिर से एरर आ जाएगा अपना। डायनामिकली अभी देखते हैं कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायनामिकली फिर से वी लुकअप ऑन कर देंगे। अभी यहाँ पे अपनी लुकअप वैल्यू क्या है, नंबर है, और नंबर यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में ही है मेरा, तो अपन उसको पहले नंबर को सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, इसमें यहाँ पे कॉमा दे के, नहीं सॉरी कॉमा नहीं देंगे, इसमें एंड देंगे और इसमें स्टार्ट कर देते कि अपना क्या है। सबसे पहले क्या है कि जो लुकअप वैल्यू उसके बाद में डैश लगा के कुछ 3 वर्ड है, डैश लगा के फिर से कुछ नंबर है। अभी इसमें कॉमन क्या है, ये जो नंबर है ना वो कॉमन है, वर्ड अनकॉमन है, वर्ड पूरे डिफरेंट डिफरेंट है प्रोडक्ट के हिसाब से, तो यहाँ और डैश कॉमन है, तो इसमें क्या करेंगे डैश लगा देंगे। और अभी वहाँ पे वर्ड है तो वर्ड के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, फिर से यहाँ पे डैश लिख देंगे और 101 जो प्रोडक्ट स्टोर का जो कोड है वो लिख देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। और फिर यहाँ पे सेम अपना आगे वाला कॉमा दे के टेबल एरे सिलेक्ट कर देंगे, फिर कॉलम इंडेक्स 2 दे देंगे और यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे और एंटर दे देंगे। देखो एकदम बढ़िया से आ गया कि नहीं, 369, ये देखो ये
16191619 16191619, जैसे आप 15540 अगर दे देंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये डायनामिकली और एडवांस एडवांस एंड डायनामिकली वी लुकअप है, ये बहुत ही आपके काम आ सकता है। प्लीज़ इसको आप भी ट्राई करके देख लीजिए, आपके बिजनेस में या आपके इसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड, और प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।